नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन साक्षी डॉट इन में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, आज हमें इन्होंने अपना बायोडाटा भेजा हुआ है। इनका नाम नेहा शर्मा है और नेहा जी दूसरी शादी के लिए रिश्ता देख रही हैं। नेहा जी की उम्र 30 साल है। इनकी हाइट 5 फुट 4 इंच है और इन्होंने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है। नेहा जी दूसरी शादी के लिए रिश्ता देख रही हैं। फर्स्ट मैरिड में इनके हस्बैंड से तलाक हो गया है और इनके कोई बच्चे वगैरह नहीं हैं। नेहा जी रहने वाली उत्तर प्रदेश मैनपुरी ज़िले से हैं। नेहा जी कोई नौकरी वगैरह नहीं करती हैं, घर पर ही रहती हैं ये, और अभी तलाक के बाद ये अपने मायके में रह रही हैं। इनके घर में इनके पिताजी हैं और दो बहन भाई हैं इनके। इनको एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है जो इनका साथ दे और सहारा बन सके, इनके साथ मारपीट ना करे, ऐसे रिश्ते की तलाश कर रही हैं। क्योंकि पहली शादी में इनके हस्बैंड ने इनके साथ मारपीट वगैरह की, जिस वजह से इनका तलाक हो गया और ये अभी सही जीवन साथी की तलाश कर रही हैं। हिंदू जाति के इनको रिश्ते चलेंगे, वर की उम्र इनको 30 से 38 साल के बीच में चल जाएगी। जल्द ही दूसरी शादी करना चाहती हैं। इनका कहना है कि अगर सेकंड मैरिज वाले रिश्ते होंगे जिनकी पत्नी वगैरह होंगी, या तलाक वगैरह हो गया होगा, पत्नी ख़त्म हो गई हो और बच्चे वगैरह हों, तो भी ये स्वीकार कर लेंगे उन बच्चों को और एक माँ के समान प्यार करेंगी। कभी इनको ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि उनकी रियल मदर नहीं है। बस एक सही जीवन साथी की तलाश से इनको हिंदू जाति के रिश्ते चलेंगे। तो यदि आपको नेहा जी का बायोडाटा पसंद आया हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, और यदि आपको इनका बायोडाटा पसंद नहीं आया तो आप हमारी वेबसाइट जीवन साक्षी डॉट इन पर भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इनके जैसे लाखों प्रोफाइल मिल जाएंगे रिश्ते के लिए। और यदि आप नेहा जी से आगे की बात बढ़ाना चाहते हैं रिश्ते के लिए, तो जो आप स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट नंबर देख रहे हैं, इस पर आप मिस कॉल करें ताकि हम आपका बायोडाटा इन तक पहुंचा सकें और ये आपसे संपर्क करके आगे की बात बढ़ाएं। अगर आपको इनका बायोडाटा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप हमारी यूट्यूब चैनल जीवन साक्षी डॉट इन को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए रिश्ते के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।